नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मिडिल ईस्ट में एक ऐसी चीज़ चल रही है, कुछ इस तरह से वहाँ पर माहौल ख़राब है कि लोग वहाँ पर जाने से डर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जैसे कि पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं, अक्टूबर 2023 से जब इज़राइल के ऊपर कुछ आतंकी कह लें या हमास के लोग आए और वहाँ के नागरिकों को बंधक बनाकर ले गए, उसके बाद से जो इज़राइल एक्टिव हुआ है तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये समझ लीजिए कि पहले तो उसने हमास को अच्छे तरीके से सबक सिखाया, आज हमास बिल्कुल ये समझ लीजिए ख़त्म तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ वो कम ज़रूर हो गए, उनकी संख्या बिल्कुल कम कर दी उसने, इस हिसाब से उसने मारा इज़राइल ने। फिर उसके बाद वो अपने नॉर्थ की तरफ लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला भी ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा था इज़राइल के ऊपर, हालांकि हिजबुल्ला को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन जो देखने में आया वो इतना स्ट्रांग निकला नहीं। इज़राइल ने एक एक करके उसके टॉप कमांडर्स को सभी को मार दिया। अब उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक करी, उसमें जो हिजबुल्ला का चीफ उसको मारकर गिरा दिया। ये समझ लीजिए, ये जो नसरुल्ला था उसका चीफ हिजबुल्ला का, ये एक ऐसी जगह पर था जहाँ पे सोचना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी जगह भी लोग रह सकते हैं। जैसे उसामा बिन लादेन था बिल्कुल अपनी आर्मी के पास और अमेरिकन्स ने उसको जाके वहाँ मार दिया था, वैसे ही समझ लिए नसरुल्ला जहाँ पर रह रहा था ये बिल्डिंग के पास, उस बिल्डिंग से मात्र 50 से 55 मीटर की दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग थी जहाँ पर यूएन का स्कूल एक चलता था। सोचिए, यूनाइटेड नेशन का एक स्कूल चल रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहाँ से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर एक और स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और खूब वहाँ पर लोग रहते हैं आसपास। तो ऐसी जगह पर जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के नीचे बंकर बनाकर नसरुल्ला रह रहा था, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इज़राइल ने उसकी क्या मतलब एक इंटेलिजेंस है, उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी पक्की थी, उनको मालूम था कि नसरुल्ला यहीं पे छिपा हुआ है, और उन्होंने एयर स्ट्राइक करी और वहाँ पर अटैक किया, जिसमें ये साबित हो गया कि नसरुल्ला मार दिया गया। इज़राइल की फ़ोर्स ने भी इसको कंफर्म किया और इसके बाद हिजबुल्ला ने भी कंफर्म कर दिया कि नसरुल्ला मार दिया गया। ये तो रही बात हिजबुल्ला की जो उसका चीफ का था, ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले इज़राइल ने करीब 3000 पेजर अटैक किए, पेजर जो ब्लास्ट हो रहे थे, फिर पेजर ब्लास्ट से जब तक ये समझ पाते अगले ही दिन वॉकी टॉकी का ब्लास्ट होने लगा। इस तरह से हजारों जो समर्थक थे हिजबुल्ला के या हिजबुल्ला के लोग थे वो सभी घायल हुए अच्छी तरीके से। दोस्तों, इसके बाद इज़राइल अभी भी शांत नहीं बैठा हुआ है, जैसे ही वो ये हिजबुल्ला की तरफ से अब मूव हुआ और आज उसने हूतियों के ऊपर अटैक कर दिया यमन में। यमन में आपको बता दें कि जो एक संगठन है वो हूती, वो ईरान उसको बैक करता है, उसको फंडिंग, उसको हथियार सब ईरान देता है। ऐसे ही ईरान हिजबुल्ला को भी पैसे देता है, फंड करता है और उसको सारा कुछ डिफेंस का आइटम देता है, हथियार देता है। ऐसे ही हमास को भी ईरान ही सारी कुछ फैसिलिटी देता है, सारा पैसा देता है, सारा कुछ डिफेंस का आइटम देता है, और ये सभी सिया मुसलमान हैं, ईरान भी सिया कंट्री है। तो ये पूरी तरीके से हर तरफ से इज़राइल को घेर रखा था, लेकिन आज हूतियों पर भी एयर स्ट्राइक करी गई और ईरान अभी तक कुछ नहीं कर पाया। इज़राइल ने धमाके पे धमाके करे और सबके अंदर एक दहशत पैदा कर दी, एक डर पैदा कर दिया। अब दोस्तों, आपको यहाँ से ये समझना चाहिए कि ईरान आखिर इन सब लोगों को इतनी फंडिंग मिल कहाँ से रही है। ईरान के ऊपर एक से एक सैंक्शन लगे हुए हैं,
ईरान के ऊपर फंडिंग, ईरान को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, आखिर ईरान का तेल खरीद कौन रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान का जो भी तेल है वो कहीं ना कहीं चाइना परचेस कर रहा है। और हालांकि अभी ये कहीं कुछ खुलासा हुआ नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि जब ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं और उसके बावजूद वो कई सालों से फंडिंग करता जा रहा है, हथियार भी दे रहा है, इन सभी जो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, सारा कुछ, तो ये पैसा अगर कहीं से आ रहा होगा तो ये चाइना से पॉसिबिलिटी है कि पैसा आ रहा होगा, क्योंकि इससे चाइना को कहीं ना कहीं फ़ायदा है। चाइना को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तरफ इसराइल जब इन लोगों से लड़ाई करेगा तो यूएस उसके सपोर्ट में आएगा, तो यूएस इस साइड फंसा रहेगा। दूसरे साइड अगर बात करें, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पर भी यूएसए जो अमेरिका जो साथ दे रहा है वो यूक्रेन का दे रहा है, तो उधर भी अमेरिका फंसा है। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूएसए कहीं से भी फ्री हो, वो हमेशा ऐसी कुछ बना कर रखना चाहता है कि यूएसए हमेशा फंसा ही रहे किसी ना किसी चीज़ पर, क्योंकि अगर यूएसए ज़्यादा फ्री हो गया तो वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर फोकस करने लगेगा, जिससे कि चाइना को वो जगह जगह पर फंसाना शुरू करेगा और चाइना के लिए मुश्किल पैदा करता रहेगा। हो सकता है कि वो चाइना को अलग अलग तरीके से फिर वो सैंक्शन के बारे में सोचने लगे और चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दे। तो चाइना भी चाहता है कि यूएसए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फंसा रहे, इन सब चीज़ों में उलझा रहे, उसको सोचने का मौका ही ना मिले। तो चाइना इस तरह के प्रॉक्सीज कर सकता है कि वो अब पैसा इन लोगों को दे और ये लोग आगे उलझा कर रखें इसराइल को। इसराइल को अब देखिए, देश तो बहुत छोटा सा है और इसको तीन तरफ से ईरान ने उलझा रखा है। एक तरफ हमास है, एक तरफ लेबनान है, उसके बाद हर तरफ अगर देखेंगे तो इसके पास जो है सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कोई इसका सपोर्टर वैसा नहीं है। और ईरान तो खुद एक थ्रेट है ही है इसराइल के लिए। तो ये चाहते थे कि इसी तरह से इसराइल को फंसा कर रखो, लेकिन इसराइल ने जिस तरह से हमास को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, हिजबुल्ला को भी लगभग अब उस तरफ ये लेकर जा रहा है कि हिजबुल्ला को भी ये बहुत ही कमज़ोर कर देगा इसराइल। और जैसे ही इसराइल यहाँ से फ्री होता है तो ये ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे ग्रुप जो अभी हैं इससे ईरान को शेल्टर मिलता है। ईरान एक तरह से थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाता है कि अभी इसराइल वैसे अटैक नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि एक बहुत बड़ी वॉर हो जाए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, हमास, हिजबुल्ला जैसे, हुती, तो इसराइल के पास भी टाइम होगा प्रॉपर, और उसके पास हो सकता है कि वो खुद फिर आगे आकर अटैक कर दे। क्योंकि ईरान जानता है कि अगर वो डायरेक्ट अगर इसराइल के साथ अटैक करने लगा, वॉर में आ गया, तो जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो इसराइल भी तहस नहस कर देगा। इसराइल चाहता है कि ईरान के साथ उसका युद्ध हो जाए, क्योंकि जब युद्ध 1-to-1 सामने से होना स्टार्ट हो जाएगा तभी वो इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पाएगा ईरान के। और इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर को, जो उसका प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोके कैसे भी करके। तो इसराइल तो उसमें लगा हुआ है, लेकिन वो ईरान को चाहता है कि ये उलझ जाए। बस ईरान अभी उलझ नहीं रहा है, यहाँ तक कि अभी समझ लीजिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, ये जब से नसरुल्ला मार दिया गया है उसके बाद से ये छुपे हुए हैं। अब इनको बहुत ही सुरक्षित जगह, किसी जगह छुपाया गया है। दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली बात है, ये जो हिजबुल्ला है, हमास है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं ईरान के। ईरान जैसे सुरक्षित इनको रहने के लिए बोलता है तो ये लोग रहते हैं। तो आखिर ये जो बात होती है सुरक्षित इनके लीडर्स को रहने वाली, इनके चीफ के रहने वाली, ये जो सुरक्षित रहते हैं, तो आखिर ये न्यूज लीक कौन करता है जो ये इसराइल के पास पहुंचती है। इस चीज़ पर ईरान को फोकस करना पड़ेगा कि आखिर इसराइल के जो इंटेलिजेंस है उनको ये इन्फॉर्मेशन कौन दे देता है, कैसे पहुंचती कैसे, क्योंकि अपने आप तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी नहीं। ज़रूर
ये कोई उनका खास है जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, जो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है और इसराइल उस पर एक्शन लेता है और उसको रिजल्ट मिल जाता है। उसी जगह जब ये जो हिजबुल्ला हुए, हमास हुए, जब ये अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल का उसमें कोई खास नुकसान होता नहीं है। तो जो नुकसान हो रहा है वो इन ग्रुप्स को हो रहा है, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्ला हो। अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो हूती इस पर अब ये अटैक किया है, इसके बाद अगला स्टेप इसराइल का क्या होगा, और अब ये सारी चीज़ें ईरान किस हिसाब से लेता है। क्योंकि नसरुल्ला जो मार दिया गया है, हिजबुल्ला का जो चीफ था, ये ईरान के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया है, क्योंकि ये बिल्कुल राइट हैंड था जो खुमैनी है, सुप्रीम लीडर ईरान के, इनका राइट हैंड था, उसको बेटे की तरह मानते थे नसरुल्ला को, और अब वो मार दिया गया है। तो अब ईरान क्या स्टेप लेता है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जब ईरान में हमास का लीडर मार दिया गया था, तब उन्होंने बोला था कि अब ये रेड लाइन क्रॉस कर दी है इसराइल ने और अब हम डायरेक्ट अटैक करेंगे। ये 30 जुलाई की बात है, अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। लेकिन वो 2 महीने निकल गए, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अभी तक ईरान ने वो अटैक इसराइल के ऊपर किया नहीं है, वो हिजबुल्ला से अटैक करवा रहा था। तो ईरान अभी तक पीछे ही पीछे है, अभी तक आगे आया नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ईरान का अगला स्टेप क्या होता है। ईरान क्या डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाएगा इसराइल को? अगर जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि फिर उसके बाद उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होता है, क्योंकि इसराइल इसी ताक में ही बैठा हुआ है। तो आजकल ये जो दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हम इसको अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भारत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसराइल और ईरान से अगर युद्ध होता है तो उससे भारत का दोनों ही तरफ से नुकसान है। एक तो भारत को नुकसान सबसे पहला तो ईरान की तरफ से है, हमारी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, हमने वहाँ चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, अपने फ़ायदे के लिए किया है, वो उसका लिए तो उस चीज़ पर नुकसान होगा। दूसरी चीज़, इसराइल हमारा बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, हम उससे टेक्नोलॉजी लेते हैं, हमारे वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, तो उस वो भी हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, हमारा दोस्त है। और जब हमारे दोनों ही जगह इंटरेस्ट हैं और वो दोनों लड़ेंगे तो हम किसी की साइड भी नहीं ले सकते हमको, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि हमको बयान देने पड़ेंगे, हमको वोटिंग करनी पड़ सकती है यूएन में, तो हम किस साइड करेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि आखिर भारत स्टैंड क्या लेता है उस वक्त। इसके साथ ही और भी कुछ अगर देखें, जब ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध होगा तो जो ये हम समुद्री मार्ग से जो यूरोप से सामान मंगाते हैं, यहाँ पे बड़ी समस्या आएगी। वहाँ से हमें सामान निकालने में, लाने में, इधर हमारे शिप निकलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आएगी कि कौन सी मिसाइल हमारे शिप पे आ जाए, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हमको फिर ये रूट छोड़ना पड़ेगा और ये दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का करीब 40% रूट यही है जो ट्रेडिंग होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सभी देशों के लिए, और भारत के लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।